सरकारी कंपनियों की कितनी लोग बुराई करें, लेकिन उनसे बढ़िया ब्रिटेन कोई दे नहीं रहा है। मोहन का सवाल लेते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है, एनबीसीसी के बारे में। 98 रुपये पर इन्होंने खरीदा 1,000 शेयर है, 3 साल और रोक सकते, कोई चिंता नहीं है इनको। और एनबीसीसी का बड़ा चार्ट दिखाइए 2 साल वाला, क्या चला है स्टॉक को, मतलब सॉलिड रैली इसमें बनी है। हालांकि सिर्फ यही नहीं है, डिफेंस वाले तो इनके भी बाप हैं, इतनी भयंकर रैली उसमें बनी है। देखिए 2 साल में 550% की रैली, 190 पहुंच गया इनके भाव, 90 से 190 हो गया, और कह रहे हैं और रोकेंगे 2-3 साल। कैसा लगता है आपको ये? नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म रुकना चाहेंगे और उस तरह से है तो समझ के चलें कि जब उतना लंबा अवधि लेते हैं तो एक 25-30% या कभी कभी 40% के ड्रॉडाउन भी इनको झेलने के लिए इनको रेडी रहना चाहिए जब उस तरह का आप दायरा बनाते हैं। 3 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये मत भूलिए कि जब ये 2017 में टॉप आउट हुआ था उस समय इसका भाव तकरीबन 145 वाला शेयर नीचे में 14 रुपए बिका है। तो ये उस कैटेगरी का शेयर है कि इतना डार्लिंग था एक जमाने में कि पहले लोग फंस गए, अब फिर से चल रहा है। तो जब हम इसको 25-30 में 40 में आइडेंटिफाई करके बोलते थे कि अब ये लेना चाहिए, तब किसी की हिम्मत नहीं थी, अब जब चल रहा है तो सब ले रहे हैं। बट यस, क्योंकि 2017 का हाई निकाला है तो मुझे भी इसके साथ कोई शिकायत नहीं है। 2017 का हाई इसने ताजा ताजा निकाला है इसी साल में, तो थॉट यही है कि भाई देखिए ट्रेंड में आप बने रहेंगे और उन्हीं लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे, 170-175 उन एरियाज में आप इनिशियली सपोर्ट जुड़ेंगे, और 2017 वाला जो हाई है 150 के आसपास वो अब इसका इंपॉर्टेंट मार्कर हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड 3 साल के हिसाब से इनको बोल रहा हूं। तो जब तक 150 चैलेंज नहीं होता अगले 3 सालों में, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनको ट्रेंड में कोई तकलीफ होगी, तो बने रहे, प्रॉफिट में ही रहेंगे। 150 बहुत इनके लिए इन द मनी हो जा रहा है, तो 148 के स्टॉप लॉस से चाहे तो बने रहे। दोस्तों जैसा कि आपने NBCC शेयर को लेकर एक्सपर्ट की राय सुनी, तो आपको बता दें इस NBCC शेयर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो है रियल इस्टेट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, कंसल्टेशन का काम रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इसका काम रहता है, तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। और अभी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आवास योजना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दे रही है, यानी कि जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको घर बनाकर मकान बनाकर दे रही है, जिससे सीधा सीधा प्रॉफिट होने वाला है NBCC शेयर को और के इन्वेस्टर को। और इस शेयर कंपनी ने बीते कुछ दिनों में और बीते कुछ महीनों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जैसा कि आप पे रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 दिनों के अंदर 20% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है, लास्ट 1 महीने के अंदर इस शेयर ने 35% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, बीते 6 महीनों के अंदर 121% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस शेयर ने 366% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि लास्ट में मैं मैक्सिमम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हाई बना है यहाँ पे 2017 का हाई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसी हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद में कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, रिट्रेस्ट किया है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में फिर से यहाँ पे इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर का पैसा लगा है यहाँ पे, एंड फिर से ये शेयर कंटिन्यूसली ऊपर जाने की तैयारी में है और ऊपर जा रहा है। वेल अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी पहले से इस शेयर को ले रखा है, फिर आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि मेरे पास ये शेयर की कुछ होल्डिंग है तो मैं अभी इसको सेल आउट नहीं करने वाला, क्योंकि जब मैंने फिबोनाची का जो लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया है तो उसके अंदर मेरा जो फिबोनाची का लेवल निकल कर आ रहा है वो 210 के आसपास में निकल के आ रहा है, तो मैं 210 के टारगेट को यहाँ पे 210 के टारगेट तक वेट करूंगा, एंड आप अपने अनुसार देख सकते हैं इसके अंदर होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री बनाने की शेयर के अंदर सोच रहे हैं तो अभी आपको इस शेयर के अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ये 180 के लेवल के आसपास में आता है तो आपको फ्रेश एंट्री बनाने की सोचनी चाहिए। बट ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसको आपको फाइनल ओपिनियन नहीं मानना है, आपको लगता है कि फ्रेश एंट्री यहीं से बन रही है, यहीं से ठीक ठाक बन रही है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक बार इसकी फंडामेंटल की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 33,921 करोड़ रुपए का है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24% की है, पीई रेशियो अभी इसका फिलहाल 84% का है। ये शेयर अभी आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, वेल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एंड यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0 है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए भी और इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी है, बहुत ही अच्छी बात है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0 है। रेवेन्यू की यहाँ पे बात करो तो रेवेन्यू के अंदर बहुत ही अच्छी खासी मार्जिन के साथ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे कि दिसंबर का जो रेवेन्यू है उससे ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल
रेवेन्यू जनरेट हुआ है मार्च वाला, मार्च 2024 वाला रेवेन्यू, तो रेवेन्यू वाली सीट में कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत ही अच्छी सीट है। एंड प्रॉफिट में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन के साथ प्रॉफिट कर रही है। नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का ऑल ओवर हर साल बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर के पास 61% की होल्डिंग है, रिटेल ट्रेडर के पास इसके अंदर 23% की होल्डिंग है, और जितने भी DIIs है FIIs है उन्होंने भी कुछ होल्डिंग कर रखी है इसके अंदर। DIIs ने इसके अंदर 6% की होल्डिंग कर रखी है और FIIs ने इसके अंदर 4.25% की होल्डिंग कर रखी है। कुछ परसेंट यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखी है जो 2.5% के आसपास में है। तो ऑल ओवर इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छे खासे रिटर्न और देगी, और क्योंकि इस कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में इस कंपनी को और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं।